नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज एक बार फिर हम अपनी विशेष श्रृंखला हिंदी कहानी, इसके तहत चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही रोचक कहानी पर, और उसके साथ ही साथ हम आपका परिचय करवाएंगे उस लेखक से जिसने इस कहानी की रचना की। जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं काशीनाथ सिंह और उनकी कहानी जंगल जातकम पर। और मित्रों, बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा। डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा एक ऐसी अध्यापिका हैं जो नित्य प्रति यही कोशिश करती हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं को ये अपने ज्ञान रूपी सागर से ओतप्रोत कर सकें और आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। मित्रों, हम बताना चाहेंगे आप शिवाजी कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, गत कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं और सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप सभी तक पहुंचती हैं। अगर आज के विषय संबंधी कोई भी जानकारी आप डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आप सभी से अनुरोध है, आप विषय संबंधी प्रश्न ही पूछें और व्याख्यान के आखिरी 10 मिनट में ही कॉल करें। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का। उनके माध्यम से आज हम काशीनाथ सिंह और इनकी जंगल जातकम पर विशेष रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर ढिंगरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कीतिका। मित्रों, साठोत्तरी प्रगतिशील कथाकारों में जिन प्रमुख हस्ताक्षरों का नाम समादर से लिया जाता है उनमें काशीनाथ सिंह सर्वश्रेष्ठ रूप में उपस्थित होते हैं। जनवरी 1937 में वाराणसी जियनपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके अग्रज प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। मित्रों, काशीनाथ सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव जैनपुर में ही प्राप्त की थी। इसके पश्चात ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गए और वहां से इन्होंने स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियों को प्राप्त किया। यहीं पर ही इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया और विभागाध्यक्ष के रूप में ये वहाँ से सेवानिवृत्त हुए। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थीं, किंतु इनका मानना है कि जब इन्होंने स्वयं उन कविताओं का पठन पाठन किया तो इन्हें वो कविताएं प्रभावहीन नज़र आईं और इन्हें ऐसा लगा कि अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए कविताएं उपयुक्त विधा नहीं है, और तब वो कविताएं लिखना छोड़कर साहित्य की अन्य विधाओं में अपनी भावाभिव्यक्ति करने लगे। इन्होंने इस संदर्भ में कहा है कि कुछ आलोचकों का कहना है मेरी कहानियां एक प्रगीत की तरह हैं, अर्थात यदि हम इनकी कहानियों को पढ़ें तो हमें ऐसा लगेगा कि एक कविता की रवानियत, लयात्मकता उनमें दिखाई दे रही है। इस तरह से उनकी कहानियों में भी कविता दिखाई देती है। इनके उपन्यास काशी का 80 में बनारस के 80 घाट और वहाँ के दैनिक जीवन को उसकी पूरी समग्रता और यथार्थता के साथ उकेरा गया है। इतना ही नहीं, इसी उपन्यास पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने मोहल्ला 80 शीर्षक से फिल्म का निर्माण किया जिसमें सन्नी देओल और साक्षी तंवर ने प्रमुख भूमिकाएं निभाई थीं। अपने प्रारंभिक जीवन में काशीनाथ सिंह प्रेमचंद, शरदचंद, चेखव, टॉलस्टॉय आदि से प्रभावित रहे और इनकी रचनाओं का पठन पाठन करने के उपरांत साहित्य सृजन करने लगे। इनकी प्रमुख कहानी संग्रहों पर यदि हम दृष्टिपात करें तो उसमें लोग बिस्तरों पर, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फतेहाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी प्रमुख हैं। उपन्यासों की दृष्टि से अपना मोर्चा, काशी का 80, रेहन पर रघु, महुआ चरित्र को याद किया जा सकता है। संस्मरणों में यदि हम देखें तो याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा,
इन्होंने नाटक का भी सृजन किया है जिसमें ओ आस नाटक लिया जा सकता है। आलोचना के स्तर पर इनकी बहुप्रसिद्ध रचना है आलोचना भी रचना है। काशीनाथ सिंह को कभी भी एक विधा में लिखना सहज अनुभव नहीं हुआ। उन्हें लगा कि जब भी वो किसी एक विधा में लिखना प्रारंभ कर देते हैं तो कुछ अनकहा अछूटा रह जाता है। समग्रता से ये अपनी बात अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते और इसलिए वो उस विधा को छोड़कर दूसरी विधा में संभावनाओं को तलाशने लगते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि वो पहले विषय का चयन करते हैं। विषय का चयन करने के उपरांत वो इस बात का निर्णय लेते हैं कि उस विषय पर कहानी लिखी जाए या उपन्यास लिखा जाए, क्योंकि कोई भी विषय अपने अंदर एक सीमित विस्तार को ही ले सकता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जिस विषय पर कहानी लिखी जाए उस पर उपन्यास का भी सृजन सहजता से हो सके। उन्होंने मोर्चा उपन्यास के द्वारा साहित्य जीवन में प्रवेश किया था, किंतु बाद में उन्हें लगा कि जिस तरह से वो अपने भावों को कहानियों के माध्यम से अपने पाठकों तक साझा कर सकते हैं उतना अन्य किसी माध्यम से नहीं कर सकते, और इसीलिए आज वो कहानीकार के रूप में हमारे सामने अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। उन्होंने लिखा भी है, मेरी मानसिक संरचना ही ऐसी थी कि जब भी लिखता कहानियां ही लिखता या फिर ना लिखता। अन्यत्र उन्होंने लिखा है, मैंने जीवन का एहसास करने, उसे अर्थ देने, उसके होने को प्रमाणित करने के लिए जो लिखा वह कहानी हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उन्होंने कहानियों का सृजन, चाहे वो संख्या में अत्यल्प हैं, केवल 50 से 55 की संख्या में हैं, फिर भी उन्होंने जिस भावाभिव्यक्ति के लिए, जिस विधा के लिए कहानी को चुना, उसमें वो सफल रहे। काशीनाथ सिंह को समय समय पर विभिन्न सम्मानों से नवाजा गया, सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी सम्मान, समुच्चय सम्मान, शरद जोशी सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, कथा सम्मान, राजभाषा सम्मान है। समय समय पर यदि हम देखें तो हर व्यक्ति परिपक्व होता है। कालक्रम के साथ साथ रचनाकार भी परिपक्व होता है और जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में भी बदलाव आता जाता है। उसे लगता है कि जो कुछ वो पहले कहना चाहता था अब वो उतना पर्याप्त नहीं है, कुछ ऐसा है जो अकहा रह गया है, अनुत्तरित रह गया है, और ऐसे में वो दूसरी विधा में जाने लगता है। उन्होंने लिखा, मुझे लगा कि कहानियों में दूसरे तो व्यक्त हो रहे हैं, मैं नहीं व्यक्त हो पा रहा। लगा कि मैं यदि संस्मरण विधा अपनाऊं तो उसमें मैं अपने बारे में भी कह सकता हूं, और इस तरह उन्होंने संस्मरण लिखना प्रारंभ किया। फिर उन्हें लगा कि नहीं, संस्मरण विधा भी उनके भावों को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है, और इसके साथ ही उन्हें लगा कि ग्लोबलाइजेशन में के बाद के हिंदुस्तान को उसकी समग्रता में अंकित करने के लिए उन्हें किसी और विधा का को अपनाना पड़ेगा। संस्मरणों में वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान सिमटा नहीं जा सकता। कहानी को काशीनाथ सिंह केवल यथार्थ का भाषांतरण या अनुवाद नहीं मानते। उनका मानना है कि कहानी एक रचना है, एक आर्ट फॉर्म है, एक कला का रूप है, जिसमें लेखक अपनी सामर्थ्य के अनुसार कल्पना का रंग भरता है, उसे सजाता है, उसे कलात्मकता प्रदान करता है। 1970 से 78 करके कालक्रम की दृष्टि से यदि हम देखें तो काशीनाथ सिंह ने इस समय
विचार प्रधान कहानियों का सृजन किया, किंतु ये ऐसी कहानियां हैं जो किसी एक वर्ग विशेष को ही आकर्षित कर सकती हैं। सामान्य पाठक इससे अपने आप को रूबरू नहीं कर पाता और इसलिए बाद में इन्होंने विचार प्रधान कहानियों का सृजन करना कम कर दिया। जिस प्रकार से मनुष्य पीड़ा का अनुभव करने के बाद ही अपने शिशु को जन्म दे पाता है, एक अनवरत पीड़ा के दौर से गुजरता है, उसी तरह से भाव लेखक को आंदोलित करते हैं, उसमें एक बेचैनी पैदा करते हैं और जब वो बेचैनी, वो आंदोलन, वो एक जो उसके अंदर का उतावलापन उसमें इतना भर जाता है कि वो उसे किसी ना किसी रूप में अपने पाठकों के सामने लाना चाहता है, तब किसी रचना का जन्म होता है। किंतु यहाँ ये भी बताना ज़रूरी हो जाता है कि काशीनाथ सिंह की इस दृष्टि से अपने स्वतंत्र विचार हैं। उनका मानना है कि किसी नए कोई नया विषय जब तक उन्हें आंदोलित नहीं करता तब तक वो सृजन नहीं कर पाते, क्योंकि नए विषय के संभावनाओं के ना होने पर दोहराए हुए को ही पुनः दोहराते चले जाना पाठक को आकृष्ट नहीं कर पाता। और इसीलिए उन्होंने चाहे कम कहानियाँ लिखीं पर कोई भी कहानी ऐसी नहीं है जो पाठक को प्रभावित ना कर पाए। वो अपनी कहानियों में समस्याओं का अंकन करके चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, उनका कोई समाधान नहीं देते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि समस्याओं का समाधान देने से पाठकों का विचार वहीं पर बंद हो जाएगा, वो उसके साथ संभाव नहीं रख पाएंगे, उसके साथ जुड़ाव अनुभव नहीं कर पाएंगे और इसीलिए पाठक पर उनकी कहानियाँ अपना गहरा प्रभाव अंकित करती हैं। उनकी सारी की सारी कहानियाँ सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों में हमें ध्वस्त होते मूल्य, स्वतंत्रता से उपजे स्वप्नों के मध्य मानसिक रूप से जो द्वंद्व उत्पन्न हुए, जो भयावहता का वातावरण उत्पन्न हुआ, जो मनुष्यों के अंदर अंतर संघर्ष उत्पन्न हुए, उनको जीवंत रूप में हम उनकी कहानियों में देख सकते हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में जड़ परंपराओं को, मान्यताओं को, संस्कारों को और इसके साथ ही व्यवस्था के फूहड़पन को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है। उनकी कहानी सराय मोहन की इस दृष्टि से उल्लेखनीय कहानी है। उनकी कहानियाँ निरंतर समय सरोकारों से संवाद करती दिखाई देती हैं। सतह पर जो चीज़ नज़र आ रही है वह धूल नहीं है कि दो चार घड़े पानी डालो और बह जाए। प्यारे लाल, यह संस्कार है, ये मिट्टी है जो सदियों से पड़ी पड़ी जम कर पत्थर बन चुकी है, उस पर चोट करो, उसे तोड़ो, उसमें धसो। और इन्हीं विचारों के साथ ही काशीनाथ सिंह ने अपनी रचनाओं को जन्म दिया। वो निरंतर अपनी कहानियों के माध्यम से जड़ होती परंपराओं पर चोट करते हैं, उसमें पाठकों को अंदर तक धंसने की प्रेरणा देते हैं और उसकी उन समस्याओं में से समाधान निकालने के लिए उन्हें कहते हैं। उनकी कहानी सुख इस दृष्टि से यदि हम देखें तो बताती है कि स्वतंत्रता ने किस प्रकार से नई कहानी में आशाओं को, आकांक्षाओं को, सपनों को जन्म दिया था, किंतु भारत चीन युद्ध ने उन सभी आकांक्षाओं, स्वप्नों को ध्वस्त कर दिया और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी कहानियाँ इस ध्वस्त हुए मानव को, इस संत्रास में, पीड़ा में फंसे हुए मानस को निकालने की चेष्टा करती हैं। उन्होंने लिखा है, हमारी कहानियाँ इसी अकेलेपन और ध्वस्त होते जा रहे पुराने मूल्यों की
ध्वनियां थी। रेहन पर रघु कहानी में कहानीकार ने उदारीकरण के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को लिपिबद्ध किया है। सूचना, मुसैचा, जंगल जातकम आदि कहानियों में उन्होंने व्यक्तिकता, अकेलेपन की अनुगूंज को व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से सामाजिक बदलाव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि विकास यद्यपि अच्छा है, अपेक्षित है, किंतु हम किन बुनियादों पर किसे नष्ट करके विकास कर रहे हैं, इस ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। जिस तरह से यदि हम ग्रामीण परिवेश को समझना चाहें तो हमें प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए, रेणु को पढ़ना चाहिए, उसी तरह से यदि हमें भूमंडलीकरण पर चर्चा करनी है तो वो चर्चा काशीनाथ सिंह की चर्चा के बिना अधूरी ही रहेगी। उनकी रचना काशी का 80 की लगभग पांचों कहानियों में पूरा हिंदुस्तान सिमटा हुआ नजर आता है, जहां हमें सामान्य आदमी के पक्षधर के रूप में काशीनाथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने इन कहानियों में आर्थिक संघर्षों, अभावों, पीड़ाओं और कठिनाइयों से निरंतर टकराते हुए जूझते हुए मानव को चित्रित करने की कोशिश की है। वे मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। उनका मानना था कि मार्क्सवादी विचारधारा उनके अंदर वो विवेक उपज जाती है, वो योग्यता उपस्थित करती है, जिसके माध्यम से वो वस्तु को ठीक प्रकार से समझ पाते हैं, और उनके अंदर वो विवेक भी जागृत करती है, जिससे वो आम आदमी की संकटग्रस्त चेतना को समझ सकते हैं, उन प्रश्नों को समझकर, उन समस्याओं से जूझकर, विद्रपताओं का सही सही परिप्रेक्ष्य में उन्हें पहचान कर अपनी कहानियों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकते हैं। इनकी पहली कहानी संकट थी, जो कृति पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुई थी। लोक बिस्तरों पर की कहानियों पर अकहानी का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त आदमी नामा की कहानियों में आदमी को समाज के मध्य रखकर कथाकार ने ठीक परिपेक्ष में जांचा परखा है। इनकी कहानियाँ निरंतर सामाजिक अंतर विरोधों से रूबरू होती हैं और पाठकों को सामाजिक समस्याओं से अवगत कराती हैं। इनके पात्र निर्जीव या यांत्रिक नहीं हैं, वो अपने द्वारा समाज की समस्याओं को ठीक तरीके से उद्घाटित करवाते हैं। सामाजिक रूपांतरण के लिए ये पात्र निरंतर संघर्षशील रहते हैं। एक रूपता से बचने के लिए काशीनाथ जी निरंतर ढांचों के को झंझोड़ते रहते हैं, एक विधा से दूसरी विधा में स्थानांतरण करते रहते हैं। वे अपनी उपस्थिति द्वारा या अन्यत्र संकेतों के रूप में अपना निजी मत भी अपनी कहानियों, अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। उन्होंने इस प्रकार से अपने कथा साहित्य के माध्यम से रचना रूपों का पुनः संस्कार किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में राजनीतिक संदर्भों के संयत उपयोग पर भी निरंतर बल दिया है, और उन्होंने ये माना कि किस प्रकार से आक्रामक हुए बिना भी एक व्यंग्यकार, एक दक्ष कथाकार वो सब कुछ कह सकता है जो उसे कहना चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी भावाभिव्यक्ति को पूर्ण सफलता के साथ अपने पाठकों के साथ साझा करने में सफल रहे हैं। उनकी बहुचर्चित कहानी जंगल जातकम है, जिसमें उन्होंने जल, जंगल और मनुष्य, इन तीनों के आपसी रिश्ते को, उनके संबंधों को उजागर करने का
प्रयास किया है। यहाँ उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से व्यक्ति औद्योगिकीकरण के कारण, पूंजीवादी सत्ता के आने के कारण विकास की निरंतर विकास करने के लिए जंगलों को समाप्त करता जा रहा है, पर्यावरण को, प्रकृति को नष्ट करता जा रहा है और निरंतर विकास करने के क्रम में वो ये भूलता जा रहा है कि हम अपने पीछे किसको छोड़ते चले जा रहे हैं, क्या छोड़ते चले जा रहे हैं और इसका हमारे भविष्य में आने वाली संतति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, ये कहानी आज के दौर में बहुत अधिक समचीन कहानी है, क्योंकि आज भी यदि हम देखते हैं तो पर्यावरण निरंतर नष्ट होता जा रहा है। निरंतर हमसे ये मांग की जा रही है कि हम दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति से पेड़ों को लगाएं, उनका विकास करें, जिससे हमें दूषित हवा में सांस लेने के लिए बाध्य ना होना पड़े। इसके अतिरिक्त पॉलिथीन के प्रयोग में, थर्माकोल के प्रयोग में भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये सब इसीलिए हो रहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच का जो सुंदर संबंध था, जो रिश्ता था, जिसमें प्रकृति अगर अपनी पूरी की पूरी संपदा, अपना पूरा का पूरा खजाना मनुष्य के को अर्पित कर देती थी, फल फूल कंद मूल के रूप में, तो मनुष्य भी उसकी सेवा करता था, उसका ध्यान रखता था। पर अब दोनों के बीच में एक गहराई आने लग गई है, एक टकराहट होने लग गई है और अपने विकास के लिए, अपनी औद्योगिकीकरण के लिए मनुष्य उस जंगल को, जिसने उसका हमेशा से साथ निभाया, उसको भी बर्बाद करने से संकुचित नहीं हो रहा। थोड़े से अल्प विराम के पश्चात हम आपके पाठ्यक्रम में आने वाली ये जो कहानी है जंगल जातकम, उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर रुचिरा ढिंगरा का, जिनके माध्यम से हम आज काशीनाथ सिंह की जंगल जातकम पर चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप आज के विषय संबंधी कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन लाइव सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। हम आपको जल्द ही बताएंगे कैसे आप बन सकते हैं हिस्सा इस लाइव सेशन का। आप सभी से अनुरोध है, आप हमारे साथ बने रहें। एक अल्प विराम के बाद हम आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत होते हैं। हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, सीसीके इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आप सभी अवगत हैं, आज हम जंगल जात पर चर्चा कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि इस कहानी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा परिचित कर सकें। और हमारा ये भी प्रयास है कि काशीनाथ सिंह जी ने जिस तरह से इस कहानी की रूपरेखा तैयार की उससे भी आपको रूबरू कराएँ, क्योंकि कहते हैं कि लेखक की मनःस्थिति का पता लगता है उसके लेखन से, और उनकी मनःस्थिति का हम पता लगा पा रहे हैं उनकी इस कहानी से। बताना चाहेंगे इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा। डॉक्टर रुचिरा ढींगरा एक सुविख्यात प्रोफेसर हैं और इनके ज़रिए हम लगातार अपने विभिन्न व्याख्यानों के माध्यम से बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं और जीवन के मूल तत्वों को, जीवन के मूल सार को जानने की चेष्टा भी करते हैं। मित्रों, अगर आज के विषय संबंधी कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का और उनके माध्यम से इस कहानी पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर ढींगरा, आपका एक बार फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मित्रों, आधुनिक कथाकार होते हुए भी काशीनाथ सिंह की रचनाओं में हमें देशीपन दिखाई देता है। वो अपनी ज़मीन से जुड़े हुए रचनाकार हैं, अपनी मिट्टी की सौंधी खुशबू को वो सूंघना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने सामान्य मानव की, सामान्य जीवन की बातों को अपनी कहानियों के माध्यम से उकेरा है। उन्होंने सम्यक यथार्थ को अपनी कहानियों में लिपिबद्ध करने की कोशिश की है। जिस समय ये लिख रहे थे उस समय समाज गहरे असंतोष से भरा हुआ था, क्योंकि आज़ादी से पहले मनुष्य ने बहुत सारी अपेक्षाएं की थीं, आशाएं की थीं, इच्छाएं की थीं, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात वो सब कुछ स्वप्न हो गया था। नई व्यवस्थाएं थीं, पुरानी व्यवस्थाएं जड़ हो चुकी थीं, मर चुकी थीं, और नई व्यवस्थाओं को जो भ्रष्टाचार है वो उसकी जड़ों को निरंतर खोखला कर रहा था। ऐसे माहौल में, वातावरण में काशीनाथ जी ने सामिक सच्चाइयों को प्रतीकात्मक रूप में अपने पाठकों के समक्ष उकेरा। प्रकृति से मनुष्य के अलग होने की, उसके छिटकने की जंगल जातकम कहानी है। ये एक नीति परक कहानी है जिसमें उन्होंने जल, जंगल और मनुष्य के आपसी रिश्तों को उसकी पूरी सच्चाई के साथ अभिव्यक्त किया है। मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण, अपनी कुप्रवृत्तियों से निरंतर पर्यावरण को दूषित कर रहा है। कहानी के प्रारंभ में जंगल और मनुष्य के सुंदर संबंध को, उनके जन्म के रिश्ते को उल्लेख किया गया है। ये जंगल बबूल, आम, महुआ, पलाश, बरगद इत्यादि बहुत सारे पेड़ों से युक्त है। इसे पूरी तरह से जंगल भी नहीं कहा जा सकता और यह भयावह भी नहीं है। यहाँ पर सभी वृक्ष अपनी अपनी प्रकृति के अनुरूप हैं, किंतु वो एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक दूसरे के सुख के साथी हैं, विपत्ति में एक दूसरे के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। लेखक ने लिखा है, स इलाके में एक जंगल था, सारे जंगलों की तरह लंबा चौड़ा मगर भयावह नहीं। इनमें आपस में ना किसी का झगड़ा था और ना कोई अदावत, किंतु एक दिन पश्चिम से उठे अपनी ओर आते काले गर्द को देख घमोच मनुष्य और बेत रहित कुल्हाड़ियों का काफिला जंगल में आ धमकता है और तालाब के किनारे अपना डेरा डाल लेता है। सारे वृक्ष विस्मय और भय से कांप उठते हैं। उन्होंने घमोच जैसा व्यक्ति अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। ऐसे में जंगल की अब तक की सारी सुख शांति नष्ट हो जाती है। वे सारे के सारे अपने
जंगल के वृद्ध परिपक्व बरगद के पेड़ के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं। ऐसा व्यक्ति तो हमने पहले कभी अपने जीवन में नहीं देखा। तब बरगद उन्हें बताता है कि जिसने घोड़े की लगाम पकड़ रखी है वह मनुष्य है और जो घोड़े पर बैठा है उसके गाल इतने फूले हैं कि आंखें लुप्त हो गई हैं। ऐसे में वृक्ष बरगद से पुनः पूछते हैं कि क्या इस व्यक्ति का हमें अपने जंगल में स्वागत करना चाहिए, आतिथ्य इसको देना चाहिए। तो बरगद उन्हें मना कर देता है और उन्हें कहता है कि मुझे कुछ आशंका हो रही है और उस आशंका के तहत मैं तुम्हें ये आज्ञा देता हूँ कि तुम घमोच को तुरंत जंगल छोड़ने का आदेश दो। तभी पेड़ों को घमोच के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने साथ आए मनुष्यों से कह रहा था, बहादुरों, यही वह बस्ती है जिसे हमें उजाड़ना है, खत्म करना है। हमें मनुष्यों के लिए मिल खड़ी करनी है, कारखाने बनाने हैं, कोयले की खान खोदनी है। ये निहत्ते पेड़ झाड़ झंकार, इनके लंबे चौड़े आकाश से डरने की ज़रूरत नहीं, हमें जल्दी ही इनके वजूद को मिटा देना है। विकास के नाम पर निरंतर पर्यावरण इस प्रकार से नष्ट होता जा रहा है और ये आज ही नहीं हमारे आने वाली संतति के लिए भी एक शोचनीय प्रश्न है, क्योंकि उन्हें हम कभी भी स्वस्थ वातावरण नहीं दे पाएंगे। घमोच स्वार्थ है, स्वार्थ से परिपूर्ण है और इसलिए वो अंधे सत्तारूढ़ व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक बनकर इस कहानी में उपस्थित हुआ है। उसके आदेश पर एक कुल्हाड़ा अपनी पूरी शक्ति से एक ठूंट पर झपटता है किंतु मूर्छित होकर गिर पड़ता है। उसकी मूर्छा के कारण अन्य कुल्हाड़ियाँ भी भय और आशंका से उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो घमोच की आज्ञा का पुनः पालन करने से डर जाते हैं। ऐसे में घमोच वृक्षों की दलील को समझ नहीं पाता। उसे समझ नहीं आ रहा कि वृक्ष अपने आप को काटने से मना क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना उपद्रव मचा रहे हैं। उधर वृक्ष भी ये समझ नहीं पा रहे कि निरंतर जब वो मनुष्य का साथ देते आए हैं तो आज ऐसा क्या कारण उपस्थित हो गया कि मनुष्य ही उन्हें बर्बाद करने के लिए आया है। वो घमोच के मनुष्य होने पर भी संदेह व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं, हमारे पूर्वजों और मनुष्यों का बड़ा ही अतरंग संबंध रहा है। उनके लिए हम अपने पुष्प, कंद, मूल, फल, पशु, पक्षी सब कुछ न्योछावर कर चुके हैं। हमें संदेह है कि आप मनुष्य हैं। उनके ऐसा कहने पर घमोच समझ जाता है कि वृक्ष अब उनकी उसकी चालबाजी को समझ चुके हैं। ऐसे वो अपने लिए एक मोहरे को ढूंढने की कोशिश करता है। हरबंश नाम का एक बांस उसकी रोबीली आवाज़ से प्रभावित होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अधिक प्रभावशाली है। घमोच समझ जाता है कि हरबंश को अपने पक्ष में करना सहज है और वह घोड़े की लगाम पकड़कर चलने वाले से हरबंश से अलग से बात करने का संकेत देता है। जब बाकी वृक्ष इस पर आपत्ति दर्ज करते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी कहना है हमारे सामने कहो, तो घमोच हरबंश को उकसाते हुए कहता है, क्यों, वह और तुम पेड़ हो और यह पेड़ नहीं, तुम्हारी जात से बाहर है। यह खुद खा पी कर इतने मोटे हो गए हो, भुजाएं लंबी और तगड़ी बना ली हैं
कान विशाल लाल कर लिए हैं, धूप और पानी से बचने के लिए इतना विस्तार कर लिया है, जड़ें भी गहरी जमा ली है, और यह बेचारा हरवंश कुल्हाड़े बरगद के पेड़ पर झपटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही ऐसा वृक्ष है जो हमें अपने मार्ग में बाधा उपस्थित कर रहा है। किंतु उनके झपटते ही वे उसकी दाढ़ी से उलझकर गिर जाते हैं। बरगद पीपल से बांसों की बस्ती पर निगाह रखने के लिए कहता है क्योंकि उसका मानना है कि वे नासमझ हैं, बड़ी जल्दी घुटने टेक देते हैं, अपने चारों ओर सिर हिलाते रहते हैं, उनमें स्थिरता और धैर्य नहीं है। वो सभी लोगों को एक कहानी सुनाता है। उसका मानना है कि जब पेड़ पेड़ के, लोहा लोहे के, मनुष्य मनुष्य के शत्रु हो जाते हैं तब निश्चित रूप से तबाही आती है, और यदि ये एकजुट हो जाते हैं तो घमोच जैसे व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यदि जंगल के पेड़ भी एकजुट हो जाएं, एक साथ विरोध करने लगें, तो घमोच और मनुष्य भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कथा सुनाने के साथ ही बरगद अंतिम सांस लेता है। वन में चारों तरफ भय व्याप्त जाता है। बरगद की मृत्यु के साथ ही कहानी चरम सीमा पर समाप्त हो जाती है। मुनाफा और मानवीय हितों की बात करती हुई यह कहानी जंगल के विनाश को हमारे सामने उपस्थित करती है। ये बताती है कि किस प्रकार से पूंजीवादी आक्रामकता हमारे जंगलों को नष्ट कर रही है, और स्थानीय संघर्ष के कारण ही जंगल बच सकते हैं। मनुष्य जंगल अस्तित्व की कथा को हमारे सामने ये कहानी लेकर आई है। इस कहानी में पात्रों का लेखक ने मानवीकरण किया है। कहानी में प्रारंभ से आद्यांत तक कौतूहल का तत्व दिखाई देता है। घमोच मानवता के हित का बहाना लेकर जंगल में प्रवेश करता है, किंतु उसका वास्तविक उद्देश्य जंगलों को नष्ट करके कारखाने बनाना है, जिसका पेड़ एकजुट होकर विरोध करते हैं। उनके विरोध से तंग आकर मनुष्य ये जानता है कि यदि वे पेड़ों के बीच में फूट डालेगा तो कुछ पेड़ निश्चित रूप से उसके पक्ष में हो जाएंगे, और ऐसे में वो जो कुछ करना चाहता है अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। उसका सोचना गलत भी नहीं था। कुछ पेड़ वास्तव में उसके पक्ष में हो जाते हैं, किंतु बरगद की एक, जिसको हम कह सकते हैं कि बरगद की सूझबूझ के कारण, उसकी मानसिकता के कारण, उसकी उम्र के कारण वो अपने उद्देश्य में मनुष्य सफल नहीं हो पाते, और बरगद के कारण जंगल बच जाता है। प्रेमचंद से पूर्व कहानियों में पात्रों का महत्व बहुत अधिक कम था, किंतु साठोत्तरी कहानियों में पात्रों को एक निश्चित उद्देश्य के कारण नियोजित किया गया। विवेच्य कहानी में प्रतीकों के माध्यम से कहानी की मूल संवेदना को व्यक्त किया गया है। जंगल के पश्चिम से उठता हुआ काले रंग का धुएं का गुब्बार औद्योगिकीकरण का प्रतीक है। घोड़े पर सवार घमोच पूंजीवादी सत्ता का प्रतीक बनकर हमारे सामने आया है। घोड़े की लगाम पकड़ने वाला मनुष्य पूंजीवाद का दास है। कुल्हाड़े हथियारों और मशीनों का रूप लेकर उपस्थित होते हैं। पेड़ों की बस्तियों को लेखक ने आदिवासियों की बस्तियों और जंगल के प्रतीक के रूप में उद्घाटित किया है। घमोच की बोली को यदि हम देखें तो वो अपने स्वभाव के अनुसार कर्कश है और अभिमान से युक्त है। वो अपने आप को स्वयंभू मानता है। सर्वाधिकार संपन्न व्यक्ति के रूप में वो कहानी में उभरता है, और इसीलिए उद्दंड है, निरंकुश है, और जंगल के पेड़ों की बात को समझने से इनकार कर देता है। बरगद
आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूंजीवादी विनाशकारी शक्तियों का विरोध करता है और अपनी आयु के साथ साथ अनुभव के कारण उसमें दूरदर्शिता दिखाई देती है। वो विनम्र है, ज्ञान से युक्त है और इसलिए वो भविष्य के प्रति चिंतित भी है। वो अपने आचरण से अपने प्रतीकत्व को सिद्ध करता है। सहयोगी पात्रों में यदि हम देखें तो मनुष्य, कुल्हाड़ी, दरख्त, बबूल, पलाश, पीपल के पेड़ को लिया जा सकता है, जो कहानी में अपने अपने पाठ का अपने अपने दृष्टिकोण से कहानी के विकास में सहायक हुए हैं। बांस वाली बस्ती उन स्वार्थी व्यक्तियों का प्रतीक है जो अपने हित के लिए पूंजीवादी सत्ता या जो भी उस समय राज कर रहा है उसके अधीन हो जाते हैं, उसकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसा करते समय वो अपनी जाति के लोगों का अहित करने में भी संकोच नहीं करते। मनुष्य जंगल की दुर्बलताओं से अवगत है और इसलिए वो पेड़ों में फूट डालकर उन्हें घमोच के पक्ष में करने का प्रयास करता है। यहाँ कहानीकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सत्तारूढ़ जो भी होगा वो लोगों में फूट डालो, राज करो की नियति को अपनाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा। संवाद कहानी में संक्षिप्त, भावपूर्ण और संप्रेक्षणीय होने चाहिए। इसके साथ ही वो पात्रों की मानसिक स्थिति को उजागर करने में भी सहायक होते हैं और पात्रों के मानसिक द्वंद्व को भी उभारने वाले होते हैं। बरगद और वृक्षों के संवाद घमोच के चरित्र को पूरी तरह से अभिव्यक्त करते हैं। घमोच के संवाद वृक्षों के प्रति पूंजीवादी आक्रामकता को सिद्ध करते हैं। वृक्षों के संवाद पूंजीवादी सभ्यता के अंतर्विरोध को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य उनका विनाश करने पर उतारू है। घमोच का बड़बड़ाना, क्रोधित होना पूंजीवादी कार्यशैली की कमी को व्यक्त करता है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था को ये लगता है कि उसका विरोध किया जा रहा है तो वो क्रोधित होकर अनाचार करने पर उतारू हो जाती है। किसी भी कहानी में वातावरण का सजीव और प्रभावी होना आवश्यक होता है। वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक वातावरण में प्रकृति, परिवेश और पात्रों के अंतर्मन को लिया जाता है। बाह्य वातावरण में पात्रादि के रूपाकार का वर्णन किया जाता है। जंगल जातकम इस दृष्टि से परिवेश प्रधान कहानी है। लेखक ने स्वयं भी कहानी में लिखा है, जब मैं जंगल कहूँ तो उसका मतलब है सिर्फ जंगल। ये छोटी छोटी पहाड़ियों और पठारी मैदानों से घिरा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पूरी की पूरी कहानी जंगल और उसके परिवेश को अपने अंदर समेटे हुए है। भाषा की दृष्टि से यदि हम देखें तो कहानी में सजीवता की सृष्टि करने के लिए भाषा सुदृढ़ होना, पात्रों की स्थिति, शिक्षा और वातावरण के अनुरूप होना आवश्यक है, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही कहानी में, कथानक में प्राणवत्ता का संचार होता है। जंगल के पात्रों की भाषा संस्कृतनिष्ठ हिंदी है। इसके साथ ही यदि हम देखें तो बरगद की भाषा गरिमामयी है। पेड़ प्राचीन जंगल का प्रतीक है, इसलिए उनकी भाषा विनम्र है। वो मनुष्य का साथ निभाती है। प्रकृति की भाषा में इस प्रकार से हमें संभ्रांतता दिखाई देती है। वो कहीं पर भी उद्दंडता से बात नहीं करते, अपनी बात बहुत संयत तरीके से विनम्रता के साथ प्रस्तुत करते हैं। कहीं कहीं पर जंगल के पात्रों की भाषा मिश्रित हिंदी है। शुद्ध संस्कृत तत्सम के शब्दों को लेखक ने अपनी इस कहानी में स्थान दिया है, जिसमें श्रेष्ठ, क्रय, उद्यमी, साक्षी, संपदा आदि शब्दों को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। तद्भव शब्दों में पुरखों, बारिश, एकजुट,
झाड़ छंकार, देशज शब्दों में पाखें, क्रौंध, गाज, उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों से भी कहानीकार ने परहेज नहीं किया। उर्दू के शब्दों में रिश्ता, अदावत, जिंदगानी और अंग्रेजी के शब्द मार्च का खुलकर प्रयोग किया है। अपनी भाषा को सजाने संवारने के लिए लेखक ने मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सहारा लिया है। मुहावरों में लगाम हाथ में लेना, आंखें लुप्त होना, गुलाम बनना, टस से मस होना को लिया जा सकता है। लेखक ने विभिन्न शैलियों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में वर्णनात्मक, नाटकीय, पूर्वदीप्ति शैली का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही विविच्य कहानी में लोक कथा के माध्यम से प्रतीकात्मक शैली में कथाकार ने अपनी बात को कहा है। कहानी में जंगल, घमोच, उसकी सेना का वर्णन जहाँ कहीं भी लेखक ने किया है, वहाँ पे वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। पेड़ों का मानवीकरण हुआ है और उनमें प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। उनकी बातचीत संवादात्मक शैली में व्यक्त है। अंत की कथा काव्यात्मक है और जैसा हमने पहले भी कहा कि इनकी कहानियों में कविता दिखाई देती है। कोई भी कहानी उद्देश्य रहित नहीं होती। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन देने के साथ साथ शिक्षा प्रदान करना भी होता है। इस कहानी का उद्देश्य भी मनोरंजन देने के साथ साथ मनुष्य को जल, जंगल और उसके रिश्ते के महत्व को बताना था। इसका पूरा का पूरा ताना बाना जल, जमीन, जंगल और मनुष्य के आदिवासी विमर्श के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है, जहां लेखक ने अपने पाठकों से पर्यावरण को बचाने की एक प्रकार से अपील की है। बांस के माध्यम से सत्ताधारियों के झूठे बहकावे में आकर अपने ही देश और लोगों से गद्दारी करने वाले लोगों पर लेखक ने करारा व्यंग किया है। देखा जाए तो इस कहानी में हमें वो सब कुछ दिखाई देता है जो आज के संदर्भों में पूरी तरह से सार्थक है, सफल है। और देखा जाए तो ये कहानी आज के संदर्भों में पाठकों को अपने लिए बहुत अधिक रोचक लगने के साथ साथ महत्वपूर्ण भी लगती है, क्योंकि आज भी हमें जंगल को, अपनी प्रकृति को बचाने का सोचना चाहिए, उसके लिए उद्योग करना चाहिए, उसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के समाधानों को सोचने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जंगल के साथ मनुष्य का जो सुंदर संबंध शुरू से रहा है, जिस तरह से प्रकृति हमें फल, फूल, सुंदरता देती आई है, वृक्षों में हमारे हमको सुख देती है, उस सुख को लेने के लिए, उस प्रकृति के आनंद को लेने के लिए उसका बचे रहना भी बहुत ज़रूरी है। यदि इसी प्रकार से जंगल नष्ट होते जाएंगे, प्रकृति नष्ट होती जाएगी, तो मनुष्य भी बहुत अधिक समय तक सुंदर, स्वस्थ वातावरण में सांस नहीं ले पाएगा और उसका अंत भी धीरे धीरे निश्चित होगा। धन्यवाद। जिनके माध्यम से आज हमने जंगल जातकम इस कहानी पर विशेष रूप से चर्चा की और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं ने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया है इस व्याख्यान के माध्यम से। रुचिता जी, क्योंकि हमारे पास कुछ समय बाकी है यहाँ पर, तो काशीनाथ सिंह जी की अगर लिखने की बात की जाए तो कौन सी ऐसी विशेष बात है जो पाठकों को या पढ़ने वालों को ये आकर्षित करते हैं अपनी ओर? देखिए, जैसे मैंने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आधुनिक संदर्भों से जुड़े होने के बावजूद आज भी लिखने के कारण उन्होंने कहीं पर भी अपनी ज़मीन से वो हटे नहीं हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन की मिट्टी की सुगंध को अपनी रचनाओं में अभी भी बरकरार रखा है, उसकी सुगंध को उन्होंने फैलाया है और इसीलिए उन्होंने अपनी इस रचना में भी जंगल और मनुष्य के संबंध को पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है,
प्रतीकात्मक कहानी है और इसीलिए उन्होंने ये बताया कि प्रतीकों के माध्यम से कि यदि हम अपनी छोटी छोटी स्वार्थ के कारण हम जो सत्ता में जो लोग हैं उनके आगे बांस की तरह से झुकते चले जाएंगे तो सत्ता का व्यवस्था का तो ये एक काम ही है कि वो जो उसके अधीन है उसका शोषण करें। पर यदि हम बांस की तरह नहीं, हम बरगद की तरह हम दृढ़ रहें, एकजुट रहें, तो निश्चित ही विकास कर सकते हैं। उस विकास के लिए हमें अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं पर भी उन्होंने आधुनिकता का विरोध नहीं किया है, उन्होंने अपनी रचनाओं में आधुनिकता का साथ दिया है, विकास की बात की है, किंतु अपनी ज़मीन से जुड़े रहने की भी बात वो निरंतर करते चले हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उन्होंने मानव मूल्यों को उजागर करने की कोशिश की है अपने लिखने के माध्यम से, और ख़ास तौर पर अगर इस कहानी की बात की जाए तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार प्रकृति हमारे लिए अमूल्य है और किस प्रकार जो हमारे मानवीय रिश्ते हैं ये हमारे लिए अमूल्य हैं। बिल्कुल, प्रकृति अमूल्य है और इसीलिए हम उसको बनाए रखना, उसको जीवित रखना ये हमारा दायित्व है, क्योंकि जिस तरह से प्रकृति हमारा साथ देती है, जब हम भूखे होते हैं तो हमें फल देती है, हमें अनाज देती है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रकृति का साथ दें, उसे जीवित रखें। पर इसके साथ ही अगर हमें विकास करना है तो हमें प्रकृति का भी विकास करना है, हमें अपने विकास के लिए प्रकृति को नष्ट नहीं करना है। उसी तरह से यदि ये छोटे छोटे जो हमारे स्वार्थ हैं इनके लिए हमें अपने ही लोगों को, अपने ही जैसे लोगों को हमें कुचलना नहीं है, हमें अपने लिए अलग रास्ता बनाना है, उनके साथ चलना है, किसी को भी हमें पद दलित नहीं करना है। जी, यहाँ पर हम एक बार फिर डॉक्टर रुचिरा ढींगरा का धन्यवाद देना चाहेंगे जिनके माध्यम से आज हमने इस बहुत ही रोचक कहानी पर चर्चा की। मित्रों, आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, जिज्ञासा है, या फिर अगर आप इस व्याख्यान संबंधित कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। info.cec@nic.in पर आप सभी मित्रों की प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आज आपसे विदा लेते हैं इस वादे के साथ, एक नई कहानी के साथ हम पुनः लौटेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रुचिरा जी आपका। धन्यवाद।